केजरीवाल सरकार महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार से मुलाकात करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भाजपा सरकार पर निशाना साधा। वही केजरीवाल जी ने बताया कि भाजपा वाले किसी को भी गाली देने में पीछे नहीं रहते। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को भी उन्होंने भी गाली दी निशाना साधते हुए। उन्होंने बहुत सारी बातों को कहा। जिस तरह का इनका रवैया इन लोगों का हमने पिछले कुछ महीनों में ये भी देखा, कैसे इन लोगों ने, इनके मंत्रियों ने, इनके नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजों को किस तरह से ये लोग गाली देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। जिस तरह से इनके लोग जजों के खिलाफ और जुडिशरी के खिलाफ सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाते हैं, इनके लोग जजेस को, रिटायर्ड जजेस को एंटी नेशनल बोलते हैं, तो इनका जुडिशरी पे इनका कोई वो नहीं है। अब इन्होंने एक मैसेज दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी फैसला दे हम नहीं मानते, हम ऑर्डिनेंस ला के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पलट देंगे। ऐसे हमारा कैसे चलेगा, ऐसे तो हमारा देश नहीं चल सकता। और ये जनतंत्र सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते और ये जनतंत्र को भी नहीं मानते। शिवसेना तो सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी है, किस तरह से भारी बहुमत से चुनी हुई, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को इन्होंने गलत तरीके से सीबीआई से, ईडी से, पैसे से इनके एमएलएज को तोड़ के इनकी सरकार गिरा दी। तो अब इनके तीन तरीके हैं बीजेपी के, तीन तरीकों से अगर कोई बीजेपी की सरकार नहीं बनाएगा, किसी राज्य में नहीं बनेगी, तो या तो वो एमएलए खरीद के उसकी सरकार गिरा देंगे, या एमएलए सीबीआई और ईडी का डर दिखा के एमएलए तोड़ के उनकी सरकार गिरा देंगे, और या फिर ऑर्डिनेंस ला के उनकी सारी शक्तियां छीन लेंगे। दिल्ली में यही हुआ, इन्होंने ऑपरेशन लोटस किया, 2-3 बार ऑपरेशन लोटस किया, हमारे एमएलए खरीदने की, तोड़ने की कोशिश की, हमारा एक भी एमएलए नहीं बिका। जब इन्होंने देखा कि इनकी सरकार टूट नहीं रही, इनकी सरकार गिर नहीं रही, तो अब ये ऑर्डिनेंस ला के इन लोगों ने हमारी सारी शक्तियां छीन ली।